वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओए स्काई। तो आज हम जा रहे हैं कुछ हेल्थी खाने, सैलड, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ही हाइजीनिक खा। अभी हम भाई के पास जा रहे हैं, आपको भाई से मिलाएंगे। भाई का क्या नाम है? नाम मैं आपको बता देता, राजकुमार नाम है उनका, और बहुत ही ज्यादा वो वाले राजकुमार नहीं। तो वहाँ जाके हम आपको भाई से मिलते हैं, भाई क्या क्या बनाते हैं और उनका क्या क्या डिश रहता है और क्या प्राइस रहता है, सीधा मिलते हैं आपको सीधा भाई के पास। ये देखो, ये है भाई की शॉप। इधर स्प्राउट, चना, ब्लैक चने, कौन चना, सुरगरम। ये क्या बोलते हैं इसको? चना सुरगरम। किस लिए होता है? कॉर्नफ्लेक्स मतलब टेस्ट के लिए। अच्छा, कॉर्नफ्लेक्स। ये टमाटो सोया स्टिक। अच्छा हाँ, ये टमाटो सोया स्टिक के। और ये ककड़ी, टमाटर, कैप्सिकम। देखो हाइजीन का ध्यान देखो भाई, कितना ज्यादा रखते हैं। मेरे को सबसे अच्छी बात है ये पास्ता। और ये पोमग्रेनेट। ये रहा अनार। ये देखो भाई बना रहा है अपना सैलड, सब कुछ। भाई क्या क्या डालते हो सैलड में? सोया स्टिक, चना चूर, कॉर्न, चना स्प्राउट, वेजिटेबल, ककड़ी, टमाटर, कैप्सिकम और विद पास्ता। अच्छा, मसाला इसमें आएगा हल्का सा। टेस्टी बनाते हैं भाई बहुत ज्यादा। क्या क्या बनाते हो? सैलेड सर, ये सूप है, जूस है, और बस ये तीन आइटम। इसमें वैरायटी, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे जूस में हो गया पाइनएप्पल, पपैया, गुआवा हो गया, मिक्स फ्रूट हो गया, जामुन हो गया, कोका, आमला, वरियाली, फ्रेश लैम, समर कूल, गाजर भी। सबसे बड़ी बात है भाई फुल हाइजीन का ध्यान रखते हैं। हाइजीन देखो, बिल्कुल बिल्कुल बॉक्स में लेकर आते हैं भाई, और हाथ में भी वो डाल के रखते हैं ग्लव। इसको यूज अभी ऐसे मिक्स करते हैं शेक। भाई टाइम कितने कितने बजे तक आते हैं आप? शाम को 4 से रात को 11 तक सर। देख लो भाई, ये बनाते हैं सैलड। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, जूस सीजनल रहता है। ये जूस वगैरह सीजनल रहता है ना? ये जामुन हो गया। जूस कौन कौन से रहते हैं अभी सीजनल में सर? 4 जूस ऑप्शन अवेलेबल है, जामुन, लीची, मैंगो और स्ट्रॉबेरी। फिलहाल अभी जामुन सर अवेलेबल है, बाकी नॉर्मल जूस सब अवेलेबल है। भाई रात को 11 बजे तक रहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं। बिल्लियों को भी खाने को देते हैं, देख रहे हो? हैं, काश में बिल्ली होता मेरे पर। तेरे को मैं खिला रहा हूँ, तू बिल्ली से कम थोड़ी ना। तो भाई का एड्रेस एक बार पूछ लेते हैं, प्रॉपर एड्रेस किधर रहता है। ये पीछे हम आए थे उधर से, वो यारी रोड से। एक बार भाई से प्रॉपर एड्रेस पूछ लेते किधर किधर रहते हैं। ये अपना हो चुका है रेडी, एक बार दिखाना। ये हो चुका भाई, एक बार प्रॉपर एड्रेस बताओ आप। सर वर्सोवा में सर आता है, बैक रोड में, वाइन सीजन वाइन शॉप के सामने सर, एकदम है अपोजिट में, फिशरीज लेन में। तो अपन इसका क्या प्राइस रहता है सैलड का? सैलड का 60 रुपीज़ है। जूस का डिपेंड करता है, जूस कौन सा पीते हो, सीजनल या नॉर्मल। नॉर्मल जूस 30 का है, सीजनल का रेट ऊपर नीचे है, और बाकी सूप का रेट 40 है। ये क्या मिक्स सैलड बोलते हैं उसको अगर किसी ने ऑर्डर है? ये मिक्स सैलड है। ये मिक्स सैलड है और इसका प्राइस रहता है 60 रुपीज़। हाँ, इससे भी छोटा कोई साइज होता है? इसका भी साइज छोटा होता है, हाफ होता है, 40 रुपीज़ का। इससे छोटा एक और साइज रहता है जिसका प्राइस रहता है 40। ये 60 से ऊपर भी कोई प्राइस रहता है आपका? इससे ऊपर कोई नहीं, बस यही लास्ट है। अब मतलब सैलड के कोई टाइप्स भी रहते हैं अपने पास? कौन कौन से? हाँ, सैलड के टाइप भी रहेंगे, जैसे मिक्स सैलड हो गया, चना सैलड, कॉर्न सैलड, पास्ता सैलड, प्रोटीन सैलड, वेजिटेबल सैलड, कुरकुरे सैलड, प्रोटीन सैलड, हाई प्रोटीन सैलड, ये सब ऑप्शन रहेगा आपको। देख रहे हो भाई के पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी तो आई थिंक मैंने वर्सोवा में, हम वहाँ पर रेस्टोरेंट गए थे उनके पास भी नहीं थे। उनके पास सिंपल मिक्स सैलड था, और कौन सा सैलड था, कौन सैलड था? सबसे मेन बात ये है भाई का, सबसे मतलब सैलड का जो भी है, भाई के मसाले के अंदर सबसे मतलब फेमस है, फेमस भी और मशहूर है इनका वो है रेसिपी, वो किसी को नहीं बताते। मसाले पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे, है ना? आपने बताया था एक बार मुझे, मैं था ना, ऐसा क्या है मतलब आपके मसालों में? हम लोग खुद बनाते सर पूरा मसाला। अच्छा। सर जलजीरा हो गया और ये चाट मसाला खुद बनाते हैं, बाकी सॉल्ट तो हम लोग ले लेते हैं मार्केट से, ले लेते हैं ब्लैक सॉल्ट, वो यूज़ होता है। बाकी जीरा पाउडर हो गया, इसमें जलजीरा हो गया, चाट मसाला हो गया, टाइप अलग होते सब बस। अच्छा, तो देख रहे हो भाई मतलब जो मसाले रहते हैं घर पर खुद बनाते हैं। मैंने भी लिया है, मैंने भी लिया है, अच्छा लगा बहुत। अच्छा, क्योंकि मैं एक बार पहले आया था रात को, तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब भाई के पास आर्टिस्ट वगैरह भी बहुत आते हैं मुंबई में। अभी पीछे आप बता रहे थे कोई आया था आपके पास, नाम बता रहे थे ना सर? बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, फिर जैसे रिसेंट में मतलब मेरे पास आते रहते हैं, जैसे मैम हो गए, नया कक्कर मैम, उनकी फैमिली आते रहते हैं। फिर यहाँ से अभी ऐसे तो नाम बताना अभी मुश्किल है, याद नहीं रहता टाइम पे। अभी यहाँ पे सामने सर है एक, दीपक सर नाम से, दीपक कालरा नाम से, वो आते रहते हैं, वो रेगुलर कस्टमर है। फिर आजू बाजू से भी आते रहते हैं, मतलब भाई के पास इतने ज़्यादा आर्टिस्ट आते हैं, भाई को नाम भी याद नहीं है उनका। देखा किसी को भी
प्रॉपर देखो बहुत ज़्यादा हाइजीन बनाते हैं भाई। और सैलड कुछ भी खाना हो, कोन वगैरह बहुत सारी वैरायटीज रखते हैं, बहुत हाइजीन रहता है। जो भी डाइट कॉन्शियस है, जिनको डाइट फॉलो करते हैं लोग वर्सोवा में, तो भाई के पास जरूर है सैलड खाया। मेन बात यह है आप यहाँ पर आकर भी खा सकते हैं और आप जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर में भाव का आपको यहाँ मैंशन कर दूंगा स्क्रीन पर, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके बाय। मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल का नाम है ओ स्काई। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। लव यू ऑल गाइज़।